हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। आज फिर से हाजिर हैं एक इंटरेस्टिंग प्रूफ के साथ। वो यह है कि 5 + 5 = 11। ये तो हम जानते हैं कि 5 + 5 जो है वो 10 के इक्वल होता है, लेकिन हम इनको प्रूफ कर लेते हैं 11 के इक्वल। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। देखो, हम जानते हैं कि 0 इक्वल होता है 0 का, ठीक है। अब यहां पर 0 की जगह मैं लिख लेता हूं 110 - 110। देखो, इनको माइनस करके वापस 0 हो जाएगा, इज इक्वल टू, और यहां पर 0 की जगह लिख लेता हूं 121 - 121। देखो, इनसे भी 0 आता है, यह बात हो गई। इसके बाद 110 की जगह लिख लेता हूं 10 × 11 × -1। इसकी जगह भी ये लिख लेते हैं 10 × 11 इज इक्वल टू, और यहां पर 121 की जगह लिख लेते हैं 11 × 11 माइनस, यहां पर भी 11 × 11 ये हो गया। अब देखो, यहां पर 10 है और यहां पर भी है, तो यहां से 10 कॉमन लेता हूं, ठीक है। जब ये 10 कॉमन हो जाएगा तो यहां पर 11 रह जाएगा, माइनस हो, यहां पर भी 11 रह जाएगा, इज इक्वल टू, और यहां से ये वाला 11 कॉमन लेता हूं, तो ये 11 कॉमन लेके यहां पर ये वाला 11 रह जाएगा, माइनस यहां पर ये वाला 11, ठीक है। अब देखो, बोथ साइड्स ये मौजूद हैं, 11 - 11 यहां पर भी मौजूद है, तो इनको कैंसल आउट कर लेते हैं। दोनों बोथ साइड्स कैंसल आउट जाएंगे, यहां पर रह जाएगा 10 इज इक्वल टू, यहां पर रह जाएगा 11। तो 10 की जगह अब हम लिख सकते हैं 5 + 5 = 11। तो देखो, हमने ये प्रूफ करना था कि 5 + 5 जो है वो इक्वल है 11 का। सो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।